हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दिस वो ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है ना? तो आज है दिन मंगलवार और डेट क्या है भाई? दिस वो बताए क्यों हो? आज 18 डेट है आज, है ना? तो मैंने कुछ पार्सल मंगाया था फ्लिपकार्ट से, आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ, क्या पता आप लोगों की भी हेल्प हो जाए कुछ थोड़ी बहुत। तो फिर मैं दिखाती हूँ, चलो पहले दिखाती हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं आज ही आई थी टटीरी से, आज मंगलवार है ना, तो हम सुबह ही 6 बजे चल दिए थे वहां से, तो हम जल्दी पहुंच गए। मंडे में हम नहीं आ पाए क्योंकि व्रत भी था हमारा, फिर हम मंदिर गए थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है पिछले वीडियो में, फिर हम बागपत चले गए थे, दीदी को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी इस वजह से, फिर व्रत था इस वजह से हम ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह चलते हैं, आज नहीं चलते। फिर दीदी की भी तबीयत खराब हो गई थी तो कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने खोल लिया, ये मंगाया है हेयर एक्सटेंशन, ये पोनी स्टाइल है, इसमें क्लचर लगा हुआ है। तो जैसे कि शादी वगैरह में हमें हेयर स्टाइल मतलब कुछ लुक देना है हेयर को, तो हम ये दे सकते हैं। तो मेरे छोटे भाई की शादी है तो मैंने मंगा लिया, मुझे अच्छे लगे ऐसे ही। मैं कुछ और सर्च कर रही थी तो मैंने देखा ये, तो मैंने मंगा लिए, तो नेचुरली लगते हैं ये, नेचुरल जैसे लगते हैं। और इसका शेड है डार्क ब्राउन और ये मुझे पड़े हैं 411 के, तो 411 के। तो इसमें डिलीवरी चार्ज भी लगा है फ्लिपकार्ट से, तो ये मैंने मंगा लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये और सच्ची में है भी बहुत अच्छे, तो ये आज ही आया है, आना तो था 20 में लेकिन आज आ गया। तो ये देखिए इसमें ये है क्लचर जो कि हम बालों में अटैच कर सकते हैं, ये अंदर से ऐसे हैं पीछे से ऐसे हैं, लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैंने पहले ही खोल लिया था, फिर मैंने सोचा चलो इसकी एक वीडियो बना लेते हैं, तो मैं दिखाती हूँ अपने बालों पे लगा कर दिखाती हूँ। मैंने पोनी बनाई हुई है, तो मैंने पोनी बनाई, मेरे बाल हल्के हैं तो मैं इस पे लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये ऐसे पकड़ के वहां से, ये क्लेचर है, ये खुल जाएगा, खोलोगे तो जैसे नॉर्मल क्लेचर होते हैं उसी तरीके से है, तो ये इस तरीके से अपनी पोनी पे ऐसे अटैच कर लेते हैं, तो ये ऐसा लुक आ जाता है। देखो आ रहा है, तो देखा आपने, ये ऐसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी शादी में, मेकअप करना, साड़ी बांधना, या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो हेयर में भी बहुत टाइम लगता है। तो देखिए ये बालों में भी मैच हो रहे हैं मेरे, है ना? तो और लुक भी अच्छा आ रहा है। तो जहाँ तक देखूंगी मैं इसे अपने उस दिन जिस दिन घुड़चढ़ी होगी साड़ी पर, साड़ी पहनूंगी उस दिन मैं, तो या तो मैं इसे साड़ी पर डालूंगी या फिर अगले दिन बारात जब जाएगी तो लांछे पे भी डाल सकती हूँ मैं इसे। तो अभी मैंने ब्लाउज सिलने के लिए दिए हुए हैं, साड़ी का भी और लांछे का भी, जब वो आ जाएगा तो मैं देखूंगी उस पर डालकर कि लांछे पे अच्छा लगेगा ये या फिर उस पर अच्छा लगेगा साड़ी पर, तो मैं देखती हूँ और तब बताती हूँ मैं कैसा लग रहा है, आप भी बताना। मैंने इसलिए डाल दिया, मैंने सोचा कि क्या पता आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए इससे, तो देखना बताना कैसा लुक आया, लुक चेंज हो जाता है एकदम। अभी तो मैंने टी शर्ट पे डाला है तो शायद ना अच्छा लगे, लेकिन साड़ी पे या मतलब किसी को हेयर स्टाइल नहीं आता तो बस ये क्लेचर लगा हुआ है, अपना पोनी बनाओ या जूड़ा बनाओ और उसमें क्लेचर लगा लो, सिंपल हेयर स्टाइल बन जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कुछ मेहनत करने की। शादियों में जाने के लिए तैयार होने के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बहुत काम फैले रहते हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इस वजह से मैंने मंगा लिया था। मैंने सोचा कौन हेयर स्टाइल बनाने बैठेगा या फिर बाहर जाएगा पार्लर में जाएगा, तो मेरे भाई की शादी वैसे रहते हैं, हम गाजियाबाद, भाई की शादी होगी गाँव में,
अभी मेरी माँ जी है इसीलिए, तो माँ जी की इच्छा है कि शादी गाँव में हो, मेरी भी शादी गाँव में हुई थी, और मैं मुझसे जो छोटा भाई है उसकी भी, और जो सबसे छोटा भाई है उसकी भी अब गाँव में ही होगी। तो जब मैं शादी में जाऊंगी तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और टटीरी से मैं अपने ननंद के यहाँ पे गई थी, उनकी लड़की की शादी थी, तो देखा ही होगा आपने, वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट हो पाया, तो मैं जितना हो पाया उतने मैंने आपको दिखा दिया। और जो मेरी ननंद की लड़की है उसका नाम है नीतू, और जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, है भी दोनों की, उनकी आदत बहुत अच्छी है उनके हस्बैंड की। तो बहन देखिए फिर कैसा लग रहा है, बताना जरूर कमेंट करके। तो ठीक है फिर, मैं ये वाली वीडियो आप लोगों को मिलेगी बुधवार में, आज है मंगलवार, तो कल मिलेगी ये वीडियो आप लोगों को, और आज आपको मिल गई होगी वीडियो सीता माता के मंदिर की। ठीक है, तो बताना कैसा लगा, थोड़ा बहुत शूट कर पाए, ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पूजा वूजा करने के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ मैंने दूध चढ़ाया था वहाँ पर भी अपनी जेठानी के लड़के को दे दिया था मोबाइल, मैंने कहा कि तुम बना लो इतने मेरी थोड़ी सी वीडियो, फिर मैं तुम्हारी बनाऊंगी। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़, मेरे सब्सक्राइब जल्दी से बढ़ा दो। तो अपने परिवार का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, जिसू ऐसी देखती रहेगी इसका हुलिया कैसा हो रहा है देखो सबसे ज्यादा काम इसने किया है। आज मैंने आके फिर कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, शादी में से आए थे, फिर कुछ पहने हुए भी थे, कुछ वैसे भी थे, पहनकर आए थे वो भी थे, तो सारे धुल दिए मैंने। मैंने सोचा आज एक दिन में ही काम खत्म कर देते हैं। और जो मेरी जेठानी, उन्होंने सुबह सुबह ही उठ के पराठे बना दिए थे आलू के, तो हम वो लेकर आ गए थे, तो फिर खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अक्की सो चुका है और ये दोनों आज स्कूल में नहीं गए हैं, इन्हें थकान ज्यादा हो रही थी है ना। और दिसु के पापा गए हैं साइट पर, सुबह सुबह चले गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान बाय। रखना, बाय।